लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो भी पास भी हो गया। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि आप चर्चा चाहते हैं तो हम चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसी बीच अब संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन अब एमएसपी और किसानों की समस्या पर चर्चा की जानी चाहिए। हम 4 दिसंबर को एक बैठक करेंगे और उस पर आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है, तो पीएम ने यह भी कहा है कि संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बनी रहे। हमारी पहचान इस बात से हो कि हमने सदन में कितने घंटे काम किया है, न कि इस बात से कि सदन में किसने कितना जोर लगाकर संसद को रोका। प्रधानमंत्री का इशारा विपक्ष के हंगामे की तरफ था। Thank you.